स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आवर कैजुरीना ट्री पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, जो क्लास 11 यूपी बोर्ड की पोएट्री से है और इसकी राइटर हैं तारु दत्त। तारु दत्त का लाइफ स्पैन 1856 से 1877 तक रहा है। बहुत कम ही उम्र पाई थी तारु दत्त ने, 21 ईयर्स केवल पूरी लाइफ स्पैन है इनकी। और इन्हें इंग्लिश, फ्रेंच, बंगाली भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था, तो इसे आप समझ सकते हैं कितनी कम समय में इतनी भाषाओं का ज्ञान हासिल करना और साहित्य में इतना अच्छा स्थान बना लेना कितने इंटेलिजेंस का परिचय है। आप इससे इनकी योग्यता और विद्वत्ता का अनुमान लगा सकते हैं। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। लाइक ए ह्यूज पैथान वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्केयर्स। लाइक ए ह्यूज पैथान, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, पैथान का अर्थ है अजगर, तो एक विशाल अजगर की तरह वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, गोल गोल लपेटा हुआ, वाइंडिंग का अर्थ होता है लपेटा हुआ, राउंड एंड राउंड का मतलब है गोल गोल, तो एक विशाल का अजगर की तरह गोल गोल लपेटा हुआ, द रग्ड ट्रंक इंडेंटेड डीप विथ स्केयर्स, एक भद्दा तना, रग्ड का अर्थ होता है भद्दा, ट्रंक का अर्थ तना, एक भद्दा तना जिसपे गहरी खरोंचे लगी हुई हैं और घाव हैं। पोएटेस ने, कवित्री ने एक भद्दे से तने का विवरण दिया है जिसके चारों ओर गोल गोल अजगर जैसा कुछ लपेटा हुआ है और जिसपे गहरी खरोचे लगी हैं और घाव के निशान हैं, अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, इसके बिल्कुल शिखर तक, समिट का अर्थ है शिखर, नियर द स्टार्स, और इसका शिखर जो है सितारों तक है, मतलब यह जो तना है, तने का जो शिखर है वो सितारों तक है और इसके शिखर तक विशाल अजगर की तरह लपेटी हुई है। ए क्रीपर क्लाइम्स इन हूज एम्ब्रेस बाउंड, और यह जो अजगर जैसी चीज लपेटी हुई है वो क्रीपर्स हैं, लताएं हैं, इन हूज एम्ब्रेस बाउंड, जिसने इस तने को, इस भद्दे तने को आलिंगनबद्ध कर रखा है, लपेट रखा है। एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना। नो अदर ट्री कुड लाइव, दूसरा कोई पेड़, दूसरा कोई वृक्ष जिंदा नहीं रह सकता अगर ये लताएं उसको इस तरह से लपेट लेती तो। आप जानते होंगे कि लताएं जब किसी वृक्ष को लपेट लेती हैं, उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, तो लताएं उस पेड़ की खुराक को हजम कर जाती हैं, खा जाती हैं और अंततः वह पेड़ मर जाता है। बट गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बाउ अमाउंट। लेकिन गैलेंटली का अर्थ है बहादुरी से, लेकिन बहादुरी से द जाइंट वियर्स या विशाल का पेड़ द स्कार, इन लताओं को एक स्कार्फ की तरह, एक दुपट्टे की तरह लपेटे हुए हैं। द फ्लावर्स आर हंग इस वृक्ष पर, इस कैजुरीना वृक्ष पर, जिसको हिंदी में झाऊ वृक्ष भी कहते हैं, इस कैजुरीना वृक्ष पर फूल लटके हुए हैं, इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बाउ एमाम, और ये लाल रंग के फूल गुच्छों में है। क्रिम्सन क्लस्टर्स का मतलब है लाल रंग के फूल जो गुच्छों में हो, ऑल द बाउ अमाउंट, इस पेड़ पे जितनी भी टहनियाँ हैं सभी टहनियों पर लाल लाल रंग के फूल गुच्छे के रूप में लटके हुए हैं, और लताएं तो जैसे इसने एक दुपट्टे की तरह ओढ़ रखा है, लताओं का इस पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि कोई और पेड़ होता तो मर ही जाता।
फिर ऑन ऑल डेज ऑल गैदर्ड बर्ड एंड बी, जहाँ कहीं दिन के समय बर्ड चिड़ियाँ एंड बीज मक्खियाँ गैदर्ड का अर्थ है इकट्ठा होना, यहाँ पे दिन भर चिड़िया और मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं एंड आफ्ट एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, और प्रायः रात में बागीचे में गीत का ओवरफ्लो होता है, गीत बजने लगता है। With one sweet song that seems to have no close, और यह जो गीत बागीचे में बज रहा होता है या गाया जा रहा होता है, With one sweet song, यह गीत बहुत ही मीठा है और ऐसा जान पड़ता है कि जैसे यह गीत कभी बंद नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। Sung darkling from our trees while men repose, डार्कलिंग का अर्थ है अंधकार और रिपोज का अर्थ है आराम करना, और यह गाना यह गीत पेड़ों के द्वारा रात में या अंधेरे में गाया जाता है जब लोग सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। यह पहली स्टेंजा समाप्त हो गई, अब हम दूसरे स्टेंजा पे आते हैं। When first my casement is wide open thrown at dawn, जब मेरी खिड़की पहली बार सूर्योदय के समय खुलती है, केसमेंट का अर्थ है खिड़की और डॉन का अर्थ है सूर्योदय, तो जब पहली बार मेरी खिड़की सूर्योदय के समय खुलती है, माई आईज डिलाइटेड ऑन द रेस्ट, मेरी आँखें प्रसन्नता से होती हैं, मेरी आँखों में प्रसन्नता भरी होती है। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, कभी कभी और ज़्यादा करके विंटर में जाड़े के मौसम में, और इट्स क्रेस्ट इसकी चोटी पर, इस वृक्ष की चोटी पर मैं देखती हूँ, मैं पाती हूँ एक ग्रे बबून सीट्स स्टैचू लाइक एलोन, इसकी चोटी पर एक ग्रे कलर का बबून, बबून एक प्रकार का बंदर होता है, एक भूरे कलर का बंदर इस वृक्ष पर एक मूर्ति की तरह अकेला बैठा होता है। वॉचिंग द सनराइज, और यह भूरे रंग का बबून या भूरे रंग का बंदर सूर्योदय को देख रहा होता है। वाइल ऑन लोअर बाउ, जबकि इसकी छोट नीचे की टहनियों पर एक पुनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, पुनी का अर्थ है छोटे आकार के नन्हे कमजोर, ऑफ स्क्रीन का अर्थ है बंदर के बच्चे, लीप अबाउट एंड प्ले, लीप मतलब होता है कूदना, उछल कूद करना और खेलना। तो इसकी चोटी पर, इस वृक्ष की चोटी पर एक भूरे कलर का, भूरे रंग का बंदर बैठा होता है और सूर्योदय को देख रहा होता है, जबकि उसके छोटे नन्हे आकार के कमज़ोर बच्चे नीचे की टहनियों पर उछल कूद कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। एंड फॉर एंड नियर, और यह दूर नज़दीक उछल कूद कर रहे होते हैं। कोकिलाज हेल द डे, कोकिलाज का अर्थ है कोयलें, हेल का अर्थ है स्वागत करना, कोयलें दिन का स्वागत कर रही होती हैं, दिन के स्वागत में गा रही होती हैं। एंड टू देयर पास्चर्स वेंट्स आवर स्लीपी काउज, एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, एंड टू देयर पास्चर, पास्चर का अर्थ है चारागाह, वेंड आवर स्लीपी काउज, और उन इसके चारागाह में जहाँ पे हमारी रमहती हुई गायें होती हैं। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, और इसकी छाये में, इस वृक्ष की छाये में एक ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई बड़ा सा टेंट फैला दिया गया हो, बिछा दिया गया हो, तो टेंट के बिछाने पे जो छाया होती है, टेंट के फैलाने पर, तंबू के फैलाने पर, वैसी ही छाया इस वृक्ष के नीचे होती है। बाई द होरी ट्री सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट, द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इन मेस्ट, बाई दैट होरी ट्री, उस प्राचीन वृक्ष से
सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, जो कि इतना सुंदर और विशाल है. द वाटर लिली स्प्रिंग, वहाँ पे कुमुदनियाँ फैली हुई होती हैं लाइक स्नो इमेस्ट. ऐसा जान पड़ता है कि एक ही स्थान पे बहुत से बर्फ को जमा कर दिया गया हो, बर्फ का ढेर लगा दिया गया हो. तो कुमुदनी के फूल सफ़ेद सफ़ेद होते हैं और बहुत ज़्यादा हो तो बर्फ़ का ढेर लगते हैं. तो इस प्राचीन विशाल वृक्ष के पास, जो कि बहुत ही सुंदर और विशाल है, वहाँ पे कुमुदनियाँ फैली हुई होती हैं, खिली हुई होती हैं, और ऐसा जान पड़ता है कि बर्फ़ का ढेर लगा दिया गया है. बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस डियर इज द कैजुरिना टू माई सूल, लेकिन इसकी भव्यता के कारण मैं इस पेड़ को, इस वृक्ष को पसंद नहीं करती, बल्कि कैजुरिना से मेरा दिली लगाव है, आत्मिक लगाव है. बिनिथ इट वी हैव प्लेड, क्योंकि इसके नीचे हम लोग खेले हैं, खेल चुके हैं. जब हम बच्चे थे तो इस पेड़ के नीचे हम लोग खेले थे. दो ईयर में रोल, यद्यपि अब सालों बीत चुके हैं, वो स्वीट कंपेनियन, वो मीठे साथियों, वो प्यारे साथियों, लव्ड विथ इंटेंस, वे प्यारे साथियों जिनसे जो हमारा प्यार था, आपस का जो प्यार था, बहुत ऊंचे दर्जे का प्यार था, उनको संबोधित करते हुए पोएटेस कह रही है, फॉर योर सेक सेल द ट्री बी एवर डियर, तुम्हारे स्वागत के लिए यह वृक्ष हमेशा ही है, ब्लेंड विथ योर इमेजेस, यह तुम्हारी यादों में, यादों से मिश्रित है. ब्लेंड का अर्थ होता है मिश्रित होना. इट सेल एराइज इन मेमोरी, यादों में यह उमड़ता है. टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, जब तक कि गर्म आंसू मेरी आंखों में नहीं आ जाते. मतलब उन दिनों को याद करके, जब हम बच्चे थे, इस पेड़ के नीचे खेला करते थे, उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. व्हाट इज दैट डिगर्स लाइक मर्मर दैट आई हियर, व्हाट इज दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर. डर्ज का अर्थ है एक दुखपूर्ण गीत, मर्मर का अर्थ है बड़बड़ाना. वह क्या दुखपूर्ण गीत है जो बड़बड़ाहट के रूप में मैं सुन पाती हूँ. लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच, और यह जो बड़बड़ाहट के रूप में दुखपूर्ण दुखद गीत मैं सुन पाती हूँ, उसकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है जैसे कि समुद्र की लहरें जब सिंगल बीच, कंकड़ युक्त बीच से या कंकड़ युक्त किनारे से टकराती हैं, तो जो आवाज़ होती है, वैसी ही आवाज़, वैसा ही संगीत जो दुखद होता है, मैं सुन पाती हूँ. इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, और यह गीत ट्री का दुख प्रकट करता है. लेमेंट का अर्थ है दुख प्रकट करना, यहाँ पर अर्थ है. तो यह गीत इस विशाल काय वृक्ष केजुरिना का दुख प्रकट करता है. एंड एरी स्पीच, एरी का अर्थ है अपूर्व, एक अपूर्व और अनोखा वक्तव्य देता है. पेड़ की एक अपूर्व बात कहता है यह गीत. इट इज़ द ट्री कहता है यह गीत दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड मे रीच. कुछ इस तरह से यह गीत ये पेड़ गाता है कि संभवतः उसका दुखपूर्ण गीत अनजाने स्थान पर या अनजाने देशों पर पहुंच जाए, उन लोगों तक पहुंच जाए जो कभी बच्चे हुआ करते थे और इस पेड़ के नीचे खेला करते थे. तो उनकी याद में यह पेड़ दुखपूर्ण गीत गाता रहता है, ऐसा मैं सुन पाती हूँ.